तो दोस्तों, आप लोगों का केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आज का टॉपिक है वाल्व, वेरियस टाइप वाल्व में जो होते हैं वाल्व, ये प्राय कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गुलनाइज आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक, ब्रॉस, एल्यूमिनियम, लेड आदि के बनाए जाते हैं। पहला टी प्लग, यूनियन, क्रॉस सॉकेट, गेट वाल्व, रिड्यूसिंग सर्किट, कैप, बैंड, एल्बो, ग्लो वाल्व, चेक वाल्व, नॉट रिटर्न वाल्व, रिड्यूसिंग एल्बो, रिटर्न्स। पहला देखते हैं टी। टी का यूज इसको क्या कहते हैं, इसके फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये टी है, टी को इसमें देखो, एक फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका टी का यूज किया जाता है। इसका ये सैंपल है। प्लग, प्लग प्लग का यूज इसके किसी भी पाइप सेक्शन के एंड में इसका यूज किया जाता है। इसकी बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका ये सैंपल है प्लग वाल्व। यूनियन, यूनियन के डोमेस्टिक घरेलू में इसका इस वाल्व का यूज ज़्यादा किया जाता है। जो ये पाइप का यूज लंबे साइज पाइपों के लिए इसका यूज ज़्यादा होता है, और इसको पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दो पाइपों को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका ये स्टेम्बल है। क्रॉस, इसका यूज डिस्ट्रीब्यूट फ्लो को एक फ्लो में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी फ्लो हो उसे एकत्रित कर एक फ्लो में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ये सैंपल है। सॉकेट, सॉकेट में सॉकेट का यूज इसके लंबे साइज पाइपों में इसका यूज किया जाता है। इसके दो पाइप कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका इसके दोनों साइड में इंटरनल चूड़ियाँ जो होती हैं वो कटी होती हैं। इसका ये सैंपल है। गेट वाल्व वाटर के बहाव को कंट्रोल करने के लिए गेट वाल्व का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, गेट वाल्व से क्या होता है कि इसके वाल्व को गेट वाल्व में इसके वाल्व से पूर इसके वाल्व को पूरा खोला जा सकता है तथा पूरा बंद भी किया जा सकता है। ये गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व का ये सिंबल है। रोडेशन सर्किट में क्या होता है, कोई भी फ्लो है उसको हम उसके साइज को कम करना चाहते हैं, उसके फ्लो को हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब प्रेशर में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम रिड्यूसिंग सर्किट का यूज़ करें। रिड्यूसिंग सर्किट में होता है कि ये पाइप को साइज को ही चेंज कर देता है। बड़ा साइज का पाइप है उसको हम छोटा साइज पाइप लगाना चाहते हैं उसके आगे, वो रिड्यूसिंग सर्किट में उसके साइज को ही चेंज कर दिया जाएगा। इसका ये सिंबल है। कैप किसी भी पाइप लाइन में उसका यूज एंड सेक्शन में यूज किया जाता है, फ्लो को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ये सैंपल है। बैंड का यूज किसी भी पाइप लाइन में अगर हम फ्लो को मोड़ना चाहते हैं उसके लिए हम बैंड का यूज करते हैं। ये इसका सैंपल है। एल्बो ये पाइप में सबसे ज़्यादा यूज होता है। एल्बो का इसमें क्या होता है, इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। ये क्या करता है, फ्लो एल्बो का काम होता है कि ये फ्लो को डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका ये सैंपल है। ग्लोब वाल्व में होता है कि पानी के दबाव जो प्रेशर होता है वो नीचे सेट होता है। एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, स्टीम हो गया। इसमें क्या होता है कि ग्लोब वाल्व इसमें जो प्रेशर होता है वो नीचे सेट होता है। इसका ये सैंपल है। चेक वाल्व वाटर को पूर्ण बहाव के लिए आवश्यक है। चेक वाल्व का यूज कोई भी पाइप लाइन है उसमें चेक वाल्व का यूज किया जाता है कि उस वाटर लाइन में वो जो वाटर होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, उसके लिए हमें चेक वाल्व का यूज किया जाता है। इसका ये सैंपल है। नॉन रिटर्न वाल्व ये लंबे साइज पाइपों में इसका यूज किया जाता है। इसके दोनों सिरों के आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका ये सैंपल है। रिटर्न्स वाल्व इसका यूज हीट एक्सचेंजर में किया जाता है।
इसके पाइप पाइप को जो होता है उसे मोड़ने के लिए इसका हीट एक्सचेंजर में इसका यूज किया जाता है, रिटर्न वाल्व का इसका ये सैंपल है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके और कुछ टॉपिक होंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक आइकन के घंटी को प्रेस कर लें। थैंक यू।